हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सा थालपोश लेके आई हूँ। आप इसको आराम से बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। और दोस्तों, चैनल में नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और डिज़ाइन कैसा बना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर थालपोश बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 15 चेन और ये चेन के बाद हम यहाँ से एक चेन स्किप करते हुए आपको यहाँ पर बनाना है सिंगल क्रोशिया हर किसी में। और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये जो हम चेन बनाए तो एक एक पार्ट में, जो चेन का दो पार्ट होता है ना, वहाँ पर एक पार्ट में हम इसको कंटिन्यू बनाते जाएंगे। इसी तरह लास्ट तक बनाने के बाद वहाँ पर आपको लेना है एक चेन, दो चेन सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको लेना है दो चेन, ये देखिए इस तरह से एक दो, दो चेन ले लिया। फिर उसी में ही आपको फिर से और एक डबल सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर और ये जो पीछे का धागा है इसको मिलाते हुए आपको यहाँ पर बना के जाना है। ये जो सेकेंड पार्ट, जो दूसरा भाग है, यहाँ पर भी आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तीन चेन और बचा है तो हम क्या करेंगे, एक और बना लेंगे। यहाँ पर बनाने के बाद ये जो दो चेन का जो गैप है इस तरह से आपको छोड़ते हुए फिर से आपको यहाँ से क्या करना है, एक चेन लेना है। फिर इसको घुमाते हुए पीछे की तरफ से आपको ये जो जैसे ही ये एक सिंगल में आपको बनाना है, इसी तरह देखिए इस तरह से आपको फिर से सिंगल क्रोशिया कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू करते हुए मैं पूरा राउंड यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर फिर से आपको बीच में चेन लेते हुए आपको बनाना है। इसी प्रोसीजर में ही आपको पूरा ये राउंड भी सेम ही चीज़ में बनाते जाना है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हम ऊपर से दो चेन का गैप लेते हुए यहाँ पर वहाँ तक कंप्लीट किया था, अभी वहीं से ही आपको चेन लेते हुए फिर से उसी प्रोसीजर में ही आपको ये राउंड पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। इसी तरह आपको एक एक राउंड में घटाते हुए, जिस तरह जैसे मैंने एक ये घटाया है उसी तरह ही आपको घटाते हुए बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। अभी देखिए यहाँ पर भी दो चेन मेरा गैप बन के रेडी है,
इस फिर से हम दो चेन गैप के बाद हम फिर से इसको पलटाते हुए इस तरह से बनाते जाना, इस तरह से घटाते हुए आपको पूरा जो पत्ते का डिजाइन है आपको बनाते जाना है। इसके बाद आपको आगे का डिजाइन पता चलेगा, तो वीडियो बिना स्किप किए देखते जाइएगा और डिजाइन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये मेरा पत्ते का और फ्लावर का जो डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो चैनल में नहीं है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, डिज़ाइन कैसा लगा एक लाइक कर, वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसी तरह बना के बताने वाली हूँ, आप देखिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद आपको यहाँ से आपको फिर से इसी तरह ही बनाते जाना है, सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाना है, और जो लास्ट राउंड है उसमें आपको स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको क्लोज कर लेना है।
ये देखिए यहाँ से आपको स्लिप स्टिच बनाते हुए कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ से चार, उधर से चार, दो दो चार तरफ हो गया, तो अभी यहाँ पर इसको क्लोज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर इस तरह से बन के रेडी होगा। ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया और इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया। ये देखिए कितना सुंदर लीफ का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। इस तरह से आप, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसको आराम से बना सकते हैं। और ये जो बचा हुआ धागा है, इसको मैंने इस तरह से खींचते हुए, दो बार खींचते हुए बनाऊँगी और बाकी का जो धागा है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से और भी बहुत सारे लिप्स बनाते हुए हम यहाँ पर बहुत सारे लिप्स के साथ जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। ये देखिए अभी ये सेम डिज़ाइन मैंने इस कलर का बना रही हूँ। ये देखिए मैंने बना लिया है। और ये जो लास्ट राउंड है, ये जो चार चार का लास्ट राउंड है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दूसरे को जोड़ते जाना है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको जोड़ के दिखाऊँगी इसका जो लास्ट वाला है, और यहाँ पर भी जो लास्ट है, आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप इसको लास्ट का जो स्लिप स्टिच है, आप इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए आप इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए लेके जाना है। ये देखिए इस तरह बहुत सारे आपको बना के रेडी करना है। ये दोनों मेरा देखिए जुड़ के रेडी हो गया। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने येलो का पांच कलर, पांच, और ये जो पास वाले का कलर जो पिच कलर है, ये मैंने पांच, टोटल मेरा पांच पांच दस का क्लिप्स में मैंने बना के रेडी किया हुआ है। और ये जो फ्लावर मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रही हूँ, ये कैसे यहाँ पर जॉइंट करते हैं, मैं ये तो दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद ये फ्लावर कैसे बनाया है, इसका भी है, बाद में आप देखिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद आपको ये फ्लावर कैसे मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसको जोड़ते हुए आपको लेके जाना है। ये लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड में ही ये फ्लावर को आपको जोड़ना है।
देखिए कुछ इस तरह से ये जुड़ता हुआ जाएगा, हर किसी में ये फ्लावर पंखुड़ी के साथ आप जोड़ते जाएंगे। और दोस्तों चलिए यहाँ पर हम बनाएंगे फ्लावर। इस तरह से हम एक नॉट लेंगे, यहाँ पर आपको लेना है चेन, 3, 4, 5 चेन लिया और यहाँ पर आप इसको जोड़ लिया इस तरह से। वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ये फ्लावर मैंने पूरा बनाना यहाँ पर बताया है, आप देखिए। और ये फ्लावर के साथ और वो जो लिप्स डिज़ाइन है, आप इसको जॉइंट करके बहुत ही सुंदर सा थालपोस बना के रेडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है। पूजा की थाली के ऊपर आप इसको कवर करके लेके जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर सा आप इसको थालपोस की तरफ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बन के रेडी होता है दोस्तों, आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, टोटल 24 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैंने बनाया है। और यहाँ से आपको फिर से चेन लेना है, देखिए 4 चेन लिया, 4 चेन के साथ एक डबल क्रोशिया के पास में ही, जैसे ही आपको बीच में एक चेन के जैसे बन के रेडी होगा और यहाँ पर भी एक एक चेन के साथ आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है, इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से आपको यहाँ पर लेना है चेन और ये जो धागा है इसको बीच में लेके आना है, ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से। फिर यहाँ पर लेना है चेन, 3 चेन मैंने लिया और यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया बन गया। अभी आपको यहाँ पर और भी डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3 चेन लिया, फिर आपको इसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ये देखिए इधर चेन के साथ 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बना, टोटल 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर आपको बनाना है, टोटल 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर आपको बना कर कंप्लीट करना है। दोस्तों ये जो डिजाइन है आप यहाँ पर इसको देखकर बना सकते हैं, जो कि मैंने बारीकी में बताया हुआ है आपको, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। बारीकी से देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बारीकी से बता रही हूँ, आप यहाँ से इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट होते हुए कुछ इस तरह दिखेगा और यहाँ पर इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पर जोड़ते हुए जैसे ही हम यहाँ पर लिए थे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर आप इसको जोड़ लेना है इस तरह से जोड़ते हुए। इसके बाद का जो डिज़ाइन है इसके पीछे की तरफ से आएगा जो डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हुआ है दोस्तों। आप ये फ्लावर पर बनाइए और फ्लावर के साथ भी आप वो पत्ता जो लीव्स बनाया हुआ है वो भी बनाइए, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है दोस्तों, आप इसकी स्किप मत कीजिएगा और आराम से देखिए।
ये देखिए यहाँ से बीच में लेते हुए और यहाँ पर बीच में लेते हुए आपको धागे को लेना है। लेते हुए यहाँ पर आपको चेन कंटिन्यू करना है। यह हो गया स्लिप स्टिच यहाँ पर, फिर से आपको चेन लेते हुए इसी तरह ही आपको ये राउंड भी कंप्लीट करते जाना है। देखिए चेन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये से मेरा चेन के साथ ये तीन डबल क्रोशिया बन गया और ये चार। और ये पांच डबल क्रोशिया बन गया। यहाँ पर आपको लेना है दो चेन, तीन चेन के बाद आपको फिर से उसी में ही आपको फिर से पांच डबल क्रोशिया और बनाना है। इसी तरह ही आपको राउंड कंप्लीट करना है और बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको ये फ्लावर भी समझ में आ जाएगा और आप आराम से बना भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर का मैंने फिर से यहाँ पर वूल चेंज किया है और आपको यहाँ पर पीछे की तरफ से और एक पीछे नहीं तो यहाँ पर सामने आपको येलो कलर बनाना है। यहाँ पर इस तरह से आप बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से बना के रेडी कर रही हूँ, आप देखिए।
सेम प्रोसीजर में ही आपको ये पंखुड़िया बनाना है और यहाँ पर इस तरह से पूरा राउंड आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, जो कि ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आप इसको क्लोज कर लेना है। इस तरह से क्लोज कर लेंगे, ये जो व्हाइट एंड येल्लो का एक सुंदर सा फ्लावर बन के ये रेडी हो गया है और यहाँ पर ये धागे को हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। पीछे की तरफ से जो धागा था इसको हम एक दूसरे को बांध लेंगे, जो कि ये जो डिज़ाइन है खुले ना, और जो बाकी बचा हुआ ऊल है इसको हम कैंचिंग मेथड से कट कर लेंगे। ये देखिए बन के इस तरह से ये रेडी हो गया। ये देखिए ये हो गया तीन लाइन का इस तरह से फ्लावर। फिर एक और एक लास्ट में जो मैं बनाऊंगी वहाँ पर ही आपको पत्ते भी जोड़ने हैं और ये जो फ्लावर है, इसलिए मैं यहाँ पर ये येलो कलर हो जाने के बाद मैं लास्ट को वो, ये देखिए वाइट कलर का धागा इसी में ही लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से और एक राउंड कंप्लीट करते हुए और वो जो पत्ते मैंने जोड़ के रखे हुए हैं यहाँ पर इसको हम जॉइंट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर रेडी होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लाइन खत्म होने के बाद एक चेन के साथ आपको यहाँ पर पत्तों को जॉइंट करना है। यहाँ पर देखिए मैं तीन ऑलरेडी जॉइंट कर चुकी हूँ, ये तीन। फिर से आपको बाकी का जो जॉइंट है मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पहले ही मैं जॉइंट दिखा चुकी हूँ, ये इसका लास्ट है, मैंने सब जॉइंट कर लिया है। और इस तरह से आपको ये फ्लावर के साथ ये जो लीव्स है ये जॉइंट करते हुए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। आप इसका अपने के हिसाब से आप बना सकते हैं, कलर अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कलर यूज़ किया हुआ है, आप अपने हिसाब से चूज़ करके ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। अभी आगे इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे बॉर्डर। आप अपने हिसाब से बॉर्डर कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट चेन के साथ ही बॉर्डर कंप्लीट करूँगी। पांच पांच चेन के साथ मैंने ये दो लाइन बनाया हुआ है और ये भी बहुत ही सुंदर प्यारा बन के रेडी हुआ है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी कुछ भी बॉर्डर मोतियों के साथ भी कुछ भी बॉर्डर यहाँ पर आप बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये बन के रेडी हो गया और मैंने दो लाइन ही ये जो बॉर्डर का जो है दो लाइन ही मैंने बनाया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने यहाँ तक ही इसको बना के कंप्लीट किया है। आप अपने हिसाब से बॉर्डर कुछ और भी लगा सकते हैं। और देखिए इसका ये जो फाइनल लुक है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है, कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। देखिए दोस्तों आप इसको आराम से बना के रेडी कर सकते हैं। ये जो फ्लावर है
ये भी कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है, आप अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई नए वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।